देखो एक चीज मैं बोल दूं, आज की जो वीडियो बहुत ही काम की है, इसको सुनो पहले शुरू से लेकर एंड तक। देखो फिल्म के बारे में इतना जान लो, ये फिल्म फाड़ के रखने वाली है, इमरुद्दास में कोई डाउट नहीं। सलमान खान इमरुद्दास नॉमिनेशन ही बहुत ही खतरनाक है। एंड दूसरा, अच्छा जिस जोड़ी को लेकर सलमान खान के फैंस बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यानी गजनी के बाद जब बात हो रही थी तो ये कहा गया था गजनी में सलमान भाई को लेना चाह रहे थे इमरुद्दास, लेकिन नहीं ले पाए और फिल्म में आमिर खान आ गए, और वो कसक उनके दिल में थी मतलब सलमान खान के फैंस में, वो पूरी होने वाली, क्योंकि इमरुद्दास सलमान खान के साथ फिर आ रहे हैं। अब सलमान खान इमरुद्दास का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो उन लोग साथ आएंगे, जो हिसाब से सलमान भाई का प्रेजेंटेशन होगा, जो उनका स्टारडम देखने को मिलेगा, यार पूछो नहीं, तबाही, थिएटर फटेगा, स्टेडियम में तब्दील होगा, सुल्तान बॉलीवुड इज बैक, मतलब ये होगा ना कि आपने वो नजारा नहीं देखोगा जैसा कि अगली ईद 2025 में होने वाला है, क्योंकि सलमान खान अब हो गए सीरियस और सलमान भाई की जितनी भी फिल्में पाइपलाइन में होंगी ब्लास्ट होंगी, खतरनाक होंगी, जबरदस्त होंगी यार, 100% लिख के ले लो यार, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से एक चीज जो ये न्यूज है वो हर तरफ चल रही है कि भाई 3 दिन बाद हमको ये चाहिए कि सलमान भाई जो है फिल्म का अनाउंसमेंट कर दें। ईद आने में उसे 3 दिन बाकी हैं और सलमान भाई के फैंस जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे कि आप ये ट्विटर पे देख सकते हो, तरह तरह के लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ईद आने वाली, क्या ईद के दिन वो टाइटल अनाउंसमेंट देने आएगा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लोग अपने फैंस चला रहे हैं। ये सलमान खान के डाई हार्ड फैन है, क्योंकि ये उम्मीद रख रहे हैं कि सलमान खान उस दिन जो है टाइटल अनाउंसमेंट कर सकते हैं इमरुद्दास के साथ सलमान खान की। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था, क्या सलमान भाई ईद के दिन अगर फिल्म लेके नहीं आ रहे हैं तो क्या वो फिल्म का अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो इमरुद्दास वाली है, या फिर वो द बुल के लिए कंफर्मेशन, मतलब कुछ ना कुछ सरप्राइज अपने फैंस को दे सकते हैं। और यही चीजें आज आप उठा के देख लो ट्विटर पे, यही चीज ट्रेंड कर रही है, मतलब सलमान खान के फैंस चाह रहे हैं कि सलमान तक ये बात पहुंचे और सलमान भाई उनको ईद के दिन कम से कम कुछ ना कुछ सरप्राइज करें, चाहे वो फिल्म का अनाउंसमेंट टाइटल कर दें जिसको लोग द डेविल के नाम से चला रहे हैं इस वक्त, या फिर द बुल के बारे में कंफर्म कर दें हां भाई ये 100% नवंबर दिसंबर में आ रही है, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि सलमान खान के फैंस बहुत उम्मीद रखते हैं कि सलमान भाई ईद में हम लोग को देखने को जरूर मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस ईद में सलमान भाई नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम उनकी फिल्मों के नाम ही आ जाएंगे तो उनके लिए ईद हो जाएगी, समझ रहे हो। तो जो मैं बोलता हूं, जो चीजें चलती हैं वो बोलता हूं यार, उसमें कुछ नए अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझने लगते, तुम ये बोल रहे हो, तुम फेक बोल रहे हो, आदमी का काम क्या है, हम ऐसी बातें बोले कि सलमान भाई तक पहुंचे और सलमान भाई हम लोग के लिए कुछ करें, बस समझे कि नहीं समझे। सलमान खान की फिल्म को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो, इमरुद्दास करके हमें कमेंट कर जरूर बताएगा, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सारे शोरूम में, अपना ख्याल रखना, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।